मेरे शिवगन में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी OMG 2 के ट्रेलर के आने के बाद से ही फैंस के बीच में काफी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है और ट्रेलर से हमें काफी हद तक पता चल चुका है कि आखिर मूवी किसके बारे में होगी। आगे वीडियो में और भी डिटेल्स होंगी, तो मैं हूं मिस्टर यूबर्स और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हम भगवान शिव को कांति की मदद करने के लिए नंदी जी से एक दूत को भेजने के लिए कहते हैं, जहां पर हमें कांति अपने बेटे की अडल्ट वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद स्कूल पर मुकदमा करते हुए दिखेगा। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल उसे स्कूल से भी निकाल देते हैं, जहां पर प्रिंसिपल का रोल अरुण गोबिल जी ने किया है और इन्हें तो हम सब जानते हैं कि इन्होंने पहले रामायण में राम का रोल किया था। तो आगे हम देखते हैं कि कांति इस सीन में शिवलिंग के आगे पूजा कर रहा होता है। तभी हम अक्षय कुमार को गंगा से निकलते हुए देखते हैं, लेकिन ट्रेलर की ओपनिंग लाइन से ही हमें पता चल गया है कि अक्षय कुमार मूवी में भगवान शिव के नहीं बल्कि उनके दूत के रूप में होंगे, जहां पर पहले अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में ही दिखाया जाना था और ये शायद सेंसर बोर्ड के लगाए गए कट्स के कारण ही हुआ होगा। भाई सेंसर बोर्ड ने इस बार इतने कट्स लगाए हैं कि पूछो ही मत। और भाई आदिपुरुष के टाइम पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो फिर अक्षय कुमार हमें इस मूवी में भगवान शिव के मैसेंजर के रूप में ही दिखेंगे। पर इसके फर्स्ट पार्ट में ऐसा नहीं था, जहां अक्षय कुमार खुद भगवान श्री कृष्ण के रोल में ही थे। यहां पर भी त्रिपाठी का कैरेक्टर हमें अपने और अपने बेटे के लिए लड़ता हुआ दिखेगा और साथ ही हमें अभी ये भी पता नहीं है कि नंदी जी के कैरेक्टर में कौन होगा, क्योंकि नंदी जी के कैरेक्टर को कोई ह्यूमन तो जरूर प्ले करेगा। इसे जानने के लिए हमें 11 अगस्त का वेट तो करना होगा। मूवी को रिलीज होने में अभी 5 ही दिन बाकी है, लेकिन अभी तक मेकर्स ने कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं की है। OMG 2 रिलीज होने से पहले ही काफी कंट्रोवर्सीज में आ चुकी है रिलीजियस और सेंसिटिव टॉपिक होने के कारण। इसे सेंसर बोर्ड के पास कुछ सीन्स को कट्स लगाने के लिए दोबारा भेजा गया था। पिक्चर की कंट्रोवर्सी तब चालू हुई थी जब महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश वर्मा ने इसमें से कुछ सीन्स को हटाने के लिए कहा था, इसीलिए अब सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया है। ट्रेलर के देखने से हमें पता चलता है कि इसमें LGBT कम्युनिटी को लेकर कोई सीन तो होगा। तो मूवी हिट होगी या फ्लॉप ये तो इसके आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो ट्रेलर काफी अच्छा लगा, बस मूवी भी अच्छी निकल जाए और आदि पुरुष की तरह धोखा ना दे। तो भाई वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को बस एक लाइक जरूर कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।